Hello everyone, welcome back to Ilm Hasil Karo, our YouTube channel. In today's video, we are going to do very important question sentences. जी हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल या जुमले हैं जिन्हें आप अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। So let's get started. हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? इंग्लिश में कहेंगे आर दे योर रिलेटिव्स। क्या शाहद आज काम पर है? इज शाहद एट वर्क टुडे? इज शाहद एट वर्क टुडे? क्या तुम सफर के बाद थके हुए थे? Were you tired after journey? या जर्नी की जगह आप ट्रेवल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो पार्टी में थे? Were they at the party? क्या उसके पास कार है? Has he a car? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या कोई है? Is there anyone? क्या कोई किराए के लिए मकान है? Is there any house to let? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मामला है? What is the matter? आपका पसंदीदा खाना क्या है? What is your favorite dish? आजकल आपका क्या शौक है? What is your hobby nowadays? आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? इंग्लिश में कहेंगे What work does your father do? इसकी कामयाबी का क्या राज था? इंग्लिश में कहते हैं What was the secret of his success? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? तुम्हें घर में ज्यादा प्यार कौन करता है? इंग्लिश में कहते हैं Who loves you more at home? मुझसे कौन मिलना चाहता है? Who wants to see me? आप सी की जगह मीट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो आजकल कितनी देर पढ़ता है? इंग्लिश में कहते हैं How long does he study these days? तुम उसे कैसे जानते हो? How do you know him? आप कराची कैसे जाएंगे? How will you go to Karachi? खाना कैसा था? How was the meal?
आपके वालिद कैसे हैं? How is your father? How is your father? आप कौन सी गाड़ी से रावलपिंडी जाएंगे? इंग्लिश में कहेंगे By which train will you go to Rawalpindi? By which train will you go to Rawalpindi? तुम्हारा इम्तिहान कब शुरू होगा? When will your exam start? When will your exam start? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इस्लामाबाद से कब वापस आओगे? When will you be back from Islamabad? When will you be back from Islamabad? तुम्हारा नतीजा कब निकलेगा? When will your result be out? When will your result be out? तुम सुबह कब उठते हो? इंग्लिश में कहेंगे When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लुबना यहाँ कब पहुंचती है? When does Lubna get here? When does Lubna get here? पहुंचने को इंग्लिश में रीच भी कहते हैं, आप गेट की जगह रीच का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आजकल वो कहां रहता है? इंग्लिश में कहते हैं Where does he live these days? Where does he live these days? कल तुम कहां गए थे? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? तुम कहां काम करते हो? Where do you work? Where do you work? तुम उसे क्यों घूरते हो? Why do you stare at her? Why do you stare at her? Next sentence है, तुम मेरे साथ नाराज क्यों हो? Why are you angry with me? Why are you angry with me? हमारा next sentence है, तुम वहां रोजाना क्यों नहीं जाते? Why don't you go there daily? Why don't you go there daily? हमारा next sentence है, तुम्हें कल कहां जाना होगा? Where will you have to go tomorrow? Where will you have to go tomorrow? क्या मसला है? What's the issue? What's the issue? क्या कोई खास बात है? इंग्लिश में कहेंगे Is there anything special? Is there anything special? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा? Shall I also have to go with you? Shall I also have to go with you? Next sentence है, क्या मुझे चाय आज खुद बनाना पड़ेगी? Shall I have to make the tea on my own today? Shall I have to make the tea on my own today? क्या आप मुझसे तावन करेंगे? इंग्लिश में कहते हैं Will you cooperate with me? Will you cooperate with me? क्या दोनों तरफ से कसूर मेरा ही है? Am I to blame on either side? Am I to blame on either side? आप पेप्सी लेंगे या चाय? Would you like Pepsi or tea? Would you like Pepsi or tea?
क्या अमजद आने वाला है? इंग्लिश में कहेंगे इज अमजद अबाउट टू कम, इज अमजद अबाउट टू कम। क्या वो मजीद पढ़ना चाहती है? डज शी वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, डज शी वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो अभी भी नौकरी की तलाश में है? इंग्लिश में कहेंगे इज ही स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब, इज ही स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब। क्या तुम्हारा यहां रहने को दिल नहीं करता? इंग्लिश में आप कहेंगे डू यू नॉट फील लाइक लिविंग हेयर, Do you not feel like living here? क्या उसे ऊंची आवाज में बोलने की आदत है? इंग्लिश में कहेंगे Has she habit of speaking loudly? Has she habit of speaking loudly? क्या उसे सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं? इंग्लिश में आप कहेंगे Isn't she in the habit of getting up early in the morning? Isn't she in the habit of getting up early in the morning? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लगता है उसने झूठ बोला है। Looks like he lied. Looks like he lied. ऐसा लगता है कि मेरा पर्स रास्ते में कहीं खो गया है। It seems my purse has lost somewhere on the way. It seems my purse has lost somewhere on the way. हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या वो तन्हा रह गई है? Is she left alone? Is she left alone? Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप हमारे video channel को like और subscribe कर लें. Have a happy day or evening there.